आज हमारे सभी मतदाता गली में जाते हुए देखा मार्ग। विधानसभा चुनाव हरियाणा में नजदीक हैं। सभी पार्टियों ने ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस ने बीती रात अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उसने कई अहम नामों की घोषणा की, जिसमें से एक नाम सुमिता सिंह का शामिल है। सुमिता सिंह की सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि जब तक मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे तब तक वो इसी सीट से विधायक थे, लेकिन उनके केंद्र में मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हो गई और फिर यहां से वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी विधायक थे। लेकिन बीजेपी द्वारा नई लिस्ट जारी करने के बाद नायब सिंह सैनी की सीट भी बदल गई। अब इस सीट पर वापस सुमिता सिंह की वापसी हो रही है। आखिर कौन है वो पूर्व विधायक जिन्हें खट्टर और नायब सिंह सैनी जैसे बड़े नामों की पूर्व सीट पर कांग्रेस ने उतारा है? वो यहां पहले भी दो बार चुनाव लड़ चुकी हैं और करनाल में चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। करनाल से पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने 2005 में लड़ा था। इस चुनाव में सुमिता सिंह को 53,300 वोट मिले थे और उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। वहीं दूसरे चुनाव की बात करें तो उन्होंने 2009 में अपना दूसरा चुनाव लड़ा था। यहां से सुमिता ने 35,894 वोट पाकर जीत हासिल की थी। विधानसभा में अपना दाव चलने से पहले सुमिता सिंह नगर परिषद की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। हरियाणा की राजनीति में सुमिता सिंह एक बहुत पुराना नाम है। इस बार कांग्रेस ने फिर उन पर भरोसा जताया है और सुमिता ने भी अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से आने वाली सुमिता टिकट के ऐलान के पहले से जमीन पर उतर कर चुनाव की तैयारी कर रही है। लोगों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है, इसीलिए उन्हें ये मौका दिया गया। इस बार उन्हें टिकट देने का कारण ये भी है कि अब उन्हें नायब सिंह और मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नाम मैदान में नहीं है, इसीलिए सुमिता सिंह के लिए लोगों के बीच अपनी पैठ बनाना और आसान हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस को करनाल का किला एकदम साफ मिल गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। गौरतलब है कि सुमिता सिंह के बाद ही मनोहर लाल खट्टर ने करनाल सीट पर जीत दर्ज की, यानी 2014 में खट्टर ने 82,485 वोट पाकर जीत पाई। फिर इसके बाद उन्होंने वापस इसी विधानसभा में 2019 में भी चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि इस बार उन्हें पहले से कम वोट मिले थे। खट्टर ने 2019 में 79,906 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस के तरलोचन सिंह की बात करें तो उन्होंने 34,718 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई। इसके अलावा जेजेपी के तेज बहादुर यहां 3,192 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जब मनोहर ने केंद्र की राजनीति में आने के लिए सीएम पद से इस्तीफा दिया तो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसी विधानसभा से उपचुनाव लड़े और जीते भी। इसीलिए ये सीट अपने आप में बहुत खास है। कांग्रेस इस सीट पर फिर से अपने मजबूत दावेदार को उतार कर सीट को हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी को तरलोचन सिंह या अन्य किसी दूसरे नेता पर दाव लगाने से ज्यादा सुरक्षित लगा कि वो सुमिता सिंह को मैदान में उतारे। हालांकि पार्टी का ये दाव कितना सटीक निशाने पर लगता है ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चल सकेगा।